अभी हमारे भागवत चल रहा है सिनौरा मंदिर में, जो कि है शिव पुराण 11 दिनों का, और ये मुख्य अतिथि जी होते हैं हमारे यहाँ पे, इनका घर है करगानू में। तो आपको बताएंगे ये यहाँ के बारे में। पहले तो सपना जी, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, क्षमा चाहूँगा। मुख्य यजमान मुझे यहाँ भोलेनाथ जी के, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मौका मिला है, समय मिला है, और ये शिव पुराण चला है जो 11 दिन चलेगा। आप सभी के सहयोग से और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ये आज इस शिव पुराण का 4th दिन है, और बहुत सारे भगत जन यहाँ इस जो व्यास हैं प्रियव्रत शर्मा जी के मुखारविंद से ये इस शिव पुराण का आनंद ले रहे हैं, और सभी से और भी निवेदन के इस क्षण को, इस जो ये एक आयोजन हो रहा है, ये समझिए एक यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में अपनी हाजिरी जरूर भरें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम लिया। तो अभी शिव आऊँगी, डालूँगी देखा चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है शिव पुराण, जो कि नदी में लेके जाना है, जहाँ से ये कलश लेके आएंगे भर के पानी का। तो अभी गुरुजी को ले जा रहे थे, ये गाड़ी में जाएंगे, और रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन है तो सड़क ही, पर हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। तो कलश यात्रा के भंडारा देना, मतलब रोज होना भागवत का बात पहुँचने वाले हैं फाइनली थोड़ा बहुत। हमने नदी क्रॉस कर ली है, बहुत बड़ी नदी थी, सॉरी छोटी सी नदी क्रॉस कर चुके हैं। और अभी पहुंच ही चुके हैं हम नदी में। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती है, वहाँ से ये कलश भर के वापस ले जाते हैं। तो मैं बैठी थी और यहाँ पे चला था चाय का इंतज़ाम, ये लोग यहाँ पे चाय भी दे रहे थे कि थक चुके होंगे इसलिए। बोल के करना जी चाय के लिए जब ना। सभी ने अब अपने कलश भर दिए थे पानी से, और ये जाएंगे कलश मंदिर में, जहाँ पे हमारा भागवत हो रहा है, वहाँ पर इसको रखा जाएगा 11 दिन तक। 11 दिन के बाद इसको वापस ले जाया जाएगा। और बस अभी वापस पहुँचने वाले थे, ये मंदिर के लिए रास्ता है। तो सभी लोग इकट्ठे होके जा रहे थे, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी थी, जो कि बचपन की है मेरी एक सखी। और अभी यहाँ पर नंगे पैर से जा रहे थे, यहाँ पर फूलों की बरसात हो रही थी हमारे ऊपर। तो ये पंडाल में पहुँच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। हम लोग पंडाल में बैठ चुके थे यहाँ पर, और कई औरतें यहाँ पर डांस कर रही हैं, ये मेरी मम्मी भी डांस कर रही हैं, भजन पे डांस कर रहे हैं, ऐसे नहीं। फिर उसके बाद हमने भंडारा खाया, जो कि भागवत का पहला दिन था, तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। अभी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।